दिन तो पैदा करेंगे नहीं बनने के लिए, काम पूरा नहीं मुख्यमंत्री को कोई प्रशासनिक ज्ञान नहीं है। ये क्यों कह रही हैं मैडम? मैं इसलिए कह रही, मैं आपको बहुत सारे कारण दिखा दूंगी, उन्हें कुछ पता नहीं है, प्रशासनिक ज्ञान नहीं है। ये ऐसा क्यों कह रही हैं मैडम? मैं बता रही हूँ ना, उन्हें कुछ नहीं पता, एबीसीडी कुछ नहीं पता प्रशासनिक ज्ञान की, इसीलिए तो अधिकारी उनका बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत से मामले आप आना, मैं दिखा दूंगी, आप खुद ताज्जुब करेंगे। तो मैडम जो आज जो बहस बात इसी की गई है, किस विषय को लेकर? वो इस विषय पे है जो रेलवे लाइन रुड़की के लिए निकल रही है, उसमें गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको सर्किल रेट के हिसाब से, जो सरकार का सर्किल रेट है उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, जितने में उन्होंने खरीदी उससे भी बहुत कम पे मिल रहा है। यही कॉरिडोर बना है, जो रेट उनको दिया गया है वो रेट इनको भी दिया जाना चाहिए। और मैं सच कह रही हूँ कि अगर इनके साथ अन्याय किया गया तो रेल की लाइन नहीं बिछने दी जाएगी, ये मैं कह रही हूँ। जो रेलवे रुड़की लाइन के लिए जो ज़मीन ली जा रही है उसके बस उसमें उसकी वजह से है, दरअसल उसमें रेट बहुत कम दिए जा रहे हैं, 850 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रेट दिए जा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर 4200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रेट हैं, जिसका नगरीय क्षेत्र में दोगुना होना चाहिए, जो कि 8400 रुपये होना चाहिए, और जो यहाँ दिया जा रहा है वो 850 का दोगुना 1700 रुपये दिया जा रहा है बैरन हदूद में, और अंदर हदूद में जो है 1600 दे रहे हैं ये लोग, हालांकि वहाँ पर 5600 रुपये से लेके कम से कम 6000 रुपये रेट वहाँ पर मौजूद है, जो कि 12000 रुपये रेट वहाँ मौजूद होता है, मतलब दिया जाता है वहाँ पर, देना चाहिए, देना इनको देना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि सर्किल रेट जो है उसके हिसाब से जो है यहाँ ज़मीन एक्वायर की जाए, अगर ये नहीं की गई तो हम जहाँ तक हो सकेगा हम तो एहतजाज करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम इस रुड़की रेल लाइन को यहाँ से निकलने नहीं देंगे।